वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद कुमार, प्रवक्ता गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैतपुर झज्जर से, आज आपको 1916 से लेकर के 1947 के भारत के इतिहास की जो घटनाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। सबसे पहले भाई, 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन चला, 1916 होम रूल आंदोलन। ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में एक आंदोलन चला और जिसका सहयोग एक अंग्रेज अधिकारी ने भी दिया, जिसको हम श्रीमती एनी बेसेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आंदोलन 1916 में चला। इस आंदोलन का भारतीय इतिहास में विशेष योगदान माना जाता है। ये आंदोलन पहले धीमी गति से चला, लेकिन बाद में ये तीव्र गति से चला। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भाई, इसमें एक अंग्रेज अधिकारी थी श्रीमती एनी बेसेंट, उसने भी इस आंदोलन में भारतीयों का सहयोग दिया था। और साथ में इस आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इसमें इस आंदोलन में भी जो 1905 का आंदोलन था बंग भंग, जिसको हम बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन चला, वही घटनाएं इसमें भी हुई। स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, विद्यार्थियों ने तथा विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज आदि में जाना बंद कर दिया। इस प्रकार इस आंदोलन में का भारतीय इतिहास में विशेष योगदान है। और दूसरा, 1916 में एक हिंदू महासभा का गठन भी हुआ था। वो मैं अपनी जो 1858 से लेकर के 1924 तक का जो इतिहास की घटनाएं हैं उसमें विस्तृत जानकारी दी जा चुकी है। इसलिए जिस विद्यार्थी ने हिंदू महासभा, लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट आदि के बारे में जो जानकारी लेनी है, वो भारतीय इतिहास की जो वीडियो फर्स्ट है वो देखे, ताकि वहां से उसको प्राप्त हो जाए। इसी तरह 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ और 1919 में खिलाफत आंदोलन आदि की जानकारी भी आप उस वीडियो से ले सकते हैं। इसके साथ में 1919 में एक महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास में एक और घटना हुई, जिसको हम रोल्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट ये देखो, ये रोल्ट एक्ट क्या है, रोल्ट एक्ट भाई, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून पास कर दिया जिसके तहत कोई भी भारतीय जिसके ऊपर ब्रिटिश सरकार या अधिकारी ये संदेह करे, ये एक क्रांतिकारी है, ये ब्रिटिश सरकार के लिए खतरा है, या केवल संदेह होने पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसके साथ मनचाहा दुर्व्यवहार करते थे, उसको मनचाही सजा देते थे, सिर्फ संदेह के आधार पर भी, उसने चाहे वो काम किया है या नहीं किया, लेकिन संदेह के आधार पर उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। इस कानून को भारतीयों ने काला कानून या अंधा कानून के नाम से भी कहा है। इस कानून को जो 1919 में जो पारित हुआ, अंग्रेजी सरकार द्वारा जो पारित किया गया कानून, उस काले तथा अंधे कानून को हम रोल्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। ये 1919 में हुआ भाई। एक घटना और हुई 13 अप्रैल 1919 को, जिसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड या घटना भाई, ये क्या है, ये जलियांवाला बाग तथा हत्याकांड का संबंध भी इसी से जुड़ा हुआ है भाई। 13 अप्रैल 1919 को जो यो ब्रिटिश सरकार द्वारा अंधा और काला कानून पास किया गया था, उसके विरोध में पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर, ये कौन से राज्य में, पंजाब में है, और अमृतसर के नामक जो स्थान है उसमें जलियांवाला बाग क्षेत्र है, यहां पर कई हजार व्यक्ति इकट्ठे हो गए। जिस वो इकट्ठे क्यों हुए थे, अब भाई जो यो ब्रिटिश सरकार ने काला और अंधा कानून पास किया ना, इस पर विचार विमर्श करांगे और एक आगे की रणनीति बनाएंगे। इस विचार विमर्श के लिए नियत थे तथा निर्दोष व्यक्ति वहां इकट्ठे हुए ताकि विचार विमर्श किया जाए। लेकिन जनरल डायर ने, ये एक नोट करने की बात है,
जनरल डायर ने नियथे तथा निरपराध, जिसने कोई अपराध भी नहीं किया, उन व्यक्तियों को गोली से मरवा दिया। इसमें कई हजार व्यक्ति जो है निर्दोष मारे गए और बहुत सारे जो बच्चे थे, जो बूढ़े थे, जो या बुजुर्ग थे, वो भी मारे गए। जिस घटना को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, ये 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय इतिहास में एक काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भाई सबसे बड़ा हत्याकांड माना गया है जिसमें कोई दोष नहीं, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करवाई थी। जनरल डायर ने उसको आदेश दिए थे अगर भाई यहाँ गोलियां बरसवा दो। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी जी, इस जलियांवाला बाग नामक स्थान पर केवल एक ही गेट था जिससे व्यक्ति अंदर तथा बाहर आ जा सकता था। वहीं पर वहीं से उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी जिससे व्यक्ति बाहर भी नहीं निकल सके, जिससे ये भारतीय इतिहास में बहुत ही दुखद घटना हुई। इसके अतिरिक्त अगली जो घटना, इसका संबंध इससे ही है भाई, रोल टैक्स से ही। अब अगली जो घटना है खिलाफत आंदोलन, ये अपनी पहले वीडियो में हो चुकी है। मॉन्टेगु चेब्सफोर्ड सुधार या 1919 का अधिनियम भी उस वीडियो में हो चुका है। इसी तरह 1920 में असहयोग आंदोलन चला, महात्मा गांधी ने चलाया भाई, ये भी उस वीडियो में किया जा चुका है। 1922 में चोरा चोरी घटना के कारण ये आंदोलन वापस ले लिया। इसके साथ साथ 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई और 1924 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एमएन राय ने की। ये बातें हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब आ गया 1925 भाई, 1925 में काकोरी हत्याकांड हुआ था भाई, काकोरी कांड हुआ था भाई, हत्याकांड नहीं है भाई, काकोरी कांड या घटना। ये क्या है भाई? भाई भारतीय क्रांतिकारी इस बात से भली भांति परिचित हो चुके थे, भली भांति उनको ज्ञान हो चुका था कि इंग्लैंड या ब्रिटिश जो सरकार है, इंग्लैंड की जो सरकार है, भारत के धन को इंग्लैंड में ले जा रही है। इसलिए जो ट्रेन में भर करके बहुत सारा जो सामान है इंग्लैंड पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने अपने ट्रेन को चला दिया, ट्रेन में सामान को ले जाने लग गए। तो काकोरी जो स्टेशन है वहां पर भारतीय क्रांतिकारियों ने अपने धन को वहां जाने से रोकने के लिए उसमें लूट की, ताकि हम भारत के धन को इंग्लैंड में नहीं जाने देंगे। और उस इन क्रांतिकारियों के इस काम को हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं भाई। ये एक महान देशभक्त जो क्रांतिकारी थे, जो भारत माता के लिए निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था भाई, जिसे हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है भाई 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1927 ईस्वी और साइमन कमीशन, ये क्या है भाई? ये समझो 1927 में ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में विरोध हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, कदे ऐसे योग आंदोलन चल रहा है, कदे स्वराज्य पार्टी की स्थापना हो रही है, कदे काकोरी कांड हो रहा है, इन सब की जांच पड़ताल करने के लिए सरजान कमीशन के नेतृत्व में एक कमीशन की नियुक्ति करी, जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। और जो 1928 ईस्वी में भारत में आया, भारत में ये सरजान कमीशन भारत आया तो भारतीयों ने इसका खुले रूप से विरोध किया। ये विरोध क्यों करया भाई? क्योंकि इस साइमन कमीशन में कोई भी भारत का आदमी शामिल नहीं था, जिससे भारतीयों को ये विश्वास हो गया कि भाई ब्रिटिश सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, जिसके कारण जहां भी साइमन कमीशन जाता, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक तथा काले झंडे दिखा करके उसका विरोध किया जाता था।
ये 1927 में इसकी नियुक्ति हुई, 1928 में ये आया, और जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, अगर जो आदमी इसका विरोध करे उस पर लाठीचार्ज करो। और एक और महत्वपूर्ण घटना होगी भाई, लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय ये इस जो लाठीचार्ज में इनकी भाई हत्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, और लाला लाजपत राय ने एक और नारा दिया था जो सबसे महत्वपूर्ण नारा माना जाता है, मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट ब्रिटिश सरकार के शासन के लिए कफन की कील सिद्ध होगी। ये नारा भारत के जो महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय थे, जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और उसमें जब उसके ऊपर भयंकर लाठीचार्ज होया जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, उससे उसने मरने से पहले ये नारा दिया था, और वास्तव में उसके ब्रिटिश शासन के लिए लाला लाजपत राय का ये नारा 1947 में ब्रिटिश सरकार के लिए कफन की कील भी सिद्ध हुई। इस घटना को 1927 और 28 की इस घटना को हम साइमन कमीशन या साइमन विरोध की घटना के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है भाई, लाहौर अधिवेशन 1929। ये लाहौर अधिवेशन क्या है भाई, 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन क्या है भाई, 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें भारत को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी। यह होया था भाई 26 जनवरी 1929 को। इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अकबैया जो 26 जनवरी को होया था और इसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी, पूर्ण स्वराज्य का मतलब है भारत पूर्ण रूप से अब अंग्रेजों के अधीन नहीं है, हम अंग्रेजा की कोई बात नहीं मानेंगे, हम पूर्ण रूप से आजाद हैं, स्वतंत्र है हमारा, हम पूर्ण रूप से आजादी लेना चाहवा हैं, हम अंग्रेजा के खिलाफ सा, इसमें यह घोषणा हुई थी। और उस दिन के बाद एक महत्वपूर्ण बात यह हुई, 26 जनवरी के बाद, ये 26 जनवरी 1929 के बाद 26 जनवरी को एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में जाने जाना लग गया। जब 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया भाई। अरे एक और भी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा स्टूडेंट्स, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, स्वीकार कर लिया था, पूरा हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। इसको लागू करने का 1950 को यही कारण था कि 26 जनवरी 1929 से ये एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में माना जाने लग गया था, इस कारण भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। एक बार मैं फिर बता देता हूं स्टूडेंट्स, 26 जनवरी 1929 में रावी नदी के तट पर लाहौर में एक अधिवेशन होया जिसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी, जिसको हम लाहौर अधिवेशन के नाम से या 1929 के अधिवेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद भाई 1930 में एक घटना और हुई, 1930 का मैं एक तो यह होया भाई 26 जनवरी 1930 को एक पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाने लग गया, भारत को महत्वपूर्ण दिवस के रूप में जाना जाने लग गया, जैसे अब मनाया जाता है 26 जनवरी को। अब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला भाई। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है भाई, 1930 में
महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया जिसमें नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून, नमक के ऊपर, नमक कानून की है भाई, नमक के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लगा दिया। और जो जो नमक होता है ना भाई, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब ना जरूरत पड़ती है। बिना नमक के बिना कोई भी गरीब और अमीर आदमी खाना नहीं बना सकता। और नमक के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया ब्रिटिश सरकार ने। इसीलिए 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा शुरू करी गांधी ने। डांडी यात्रा थी ये भाई, 24 दिन में यह यात्रा खत्म हुई, अर्थात 6 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम पे जा करके महात्मा गांधी ने जो समुन्द्र के किनारे पे है वहां पर नमक के कानून को तोड़ा। शुरू में ये आंदोलन भाई गांधी के साथ कुछ आदमी, थोड़े से आदमी थे 12 मार्च को, लेकिन रास्ते में कई हजार आदमी जुड़ लिए और 24 दिन की यह कठिन यात्रा थी भाई। और 6 अप्रैल 1930 को यात्रा खत्म हुई भाई, और समुद्र के किनारे जा करके गांधी ने ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ दिया। अर्थात ये कह दिया भाई, समुद्र के किनारे देश बिना का खारे पानी से यो नमक तैयार हुआ, कितना ही ले जाओ। और ब्रिटिश सरकार का इस पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये भारत का के क्षेत्र में आता है। और इस घटना को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ भारत, महात्मा गांधी ने ये कह दिया भाई, भारत के ऊपर जो अत्याचार है उसको सहन नहीं करांगे। गांधी ने इस आंदोलन को चलाने कई उद्देश्य थे, लेकिन यही है भाई। फिर 1930 में एक घटना और भी हुई। ब्रिटिश सरकार ने 1930 में महात्मा गांधी से ये आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन करवाया भाई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन भाई होया था, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होया भाई। महात्मा गांधी को इस सम्मेलन में बुलाया भाई, इस सम्मेलन में बुलाया महात्मा गांधी को भाई। लेकिन महात्मा गांधी की इस सम्मेलन में नहीं गए, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत ज्यादा नाराज थे। फिर दोबारा ब्रिटिश सरकार ने 1931 में दोबारा जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कराया भाई, फिर बुलाया भारतीय कांग्रेस के व्यक्तियों को, महात्मा गांधी को। लेकिन महात्मा गांधी इस सम्मेलन में गए तो सही, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। इसी तरह 1931 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई भाई, गांधी इरविन समझौता भाई। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी और जो यो इरविन था भाई, ये ब्रिटिश अधिकारी है, उसके बीच में गांधी और इरविन के बीच में समझौता है भाई, जिसके तहत आप ये ना ये सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले ले। लेकिन गांधी ने इसके ने इरविन से कुछ बातों पर सहमति बनी, जिसके कारण ये आंदोलन धीमा पड़ गया भाई, डाउन हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म भी नहीं हुआ। फिर 1932 में जब 1931 में जब असहमति हो गई, गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, तो 1932 में एक और गोलमेज सम्मेलन होया, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं भाई। लेकिन इसमें गांधी सहमत हो गया, अगर भाई हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करेंगे। और जिसके तहत 1934 ईस्वी में गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया, पूर्ण रूप से तो खत्म 1934 में आ रहा। और इस सहमति के तहत होया भाई, ब्रिटिश सरकार भारतीयों के लिए विशेष सुधार करेगी। इस घटना को 1930 से लेकर के 34 के बीच की घटना को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब आगे भाई 1935 में भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसको हम भारतीय अधिवेशन
1935 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पास किया भाई, अधिनियम पास हुआ था भाई, जिस तरह आपको ध्यान होगा पहली वीडियो में मैंने बताया था भाई 1909 में एक अधिवेशन मार्लेमेंटो सुधार एक्ट पास हुआ, जिसको हम 1909 का अधिवेशन अधिनियम कहते हैं। उसी तरह 1919 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसको 1919 का अधिनियम कहते हैं, जिसको हम मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड्स अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह 1935 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसको हम 1935 के अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। आपको स्टूडेंट्स ज्ञात होगा, मैं थोड़ी देर पहले बताया अब भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गांधी ने, और गांधी ने फिर प्रथम 1930 में गोलमेज सम्मेलन होया, फिर 1931 में दूसरा होया, 1932 में तीसरा होया, गांधी और इरविन के बीच में समझौता भी होया। तो जिससे ब्रिटिश सरकार को ये तो हो गया था भारतीय अब चुप नहीं बैठेंगे, कुछ न कुछ सुधार करना पड़ेगा, जिसके तहत जो वायदा कराया था 1935 का अधिनियम लेकर आए ये। इस अधिनियम को हम भारत का लघु संविधान के नाम से भी जाना है भाई, क्योंकि लघु संविधान न्यू कहा भाई, इसमें ब्रिटिश सरकार ने वैसे तो इसमें संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई थी, संघात्मक शासन प्रणाली आपने भली भांति ज्ञान है भाई, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो भेजी थी संघात्मक शासन प्रणाली क्या है, तीन वीडियो आ चुके हैं इसमें, उससे आप ये पता लगा सकते हैं भाई संघात्मक शासन प्रणाली क्या है। लेकिन मैं थोड़ा सा इंट जरूर दूंगा, संघात्मक शासन प्रणाली वो होती है जिसमें एक तरफ केंद्र सरकार राज करती है, दूसरी तरफ राज्य सरकार। विस्तृत जानकारी के लिए पहले वाले वीडियो देखें। तो 1935 में संघात्मक शासन प्रणाली अपना ली, निश्चित समय पर चुनाव की व्यवस्था कर दी, इस तरह भारत में बहुत सारी सुविधाएं करी जिसको हम 1935 के अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम की एक खास बात यह है भाई, जो भारत का विस्तृत संविधान बना रखा है जिसमें 22 अध्याय हैं, उसमें तो ये 1935 के अधिनियम का विशेष प्रभाव है, बहुत सारी बातें इस अधिनियम के तहत ले रखी हैं, और इसका भारतीय संविधान में विशेष रोल है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण अधिनियम है भाई, और इसी के तहत 1937 में भाई पहली बार भारत में चुनाव भी हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर विजित भी हुई, कई प्रांतों में जीती भी थी भाई। इसके अतिरिक्त 1938 ईस्वी में भाई सुभाष चंद्र बोस ने, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में की थी भाई। यह एक पार्टी की तरह काम करेगी जो भारत की स्वतंत्रता में विशेष योगदान भी माना जाता है। इससे पहले एक स्टूडेंट, एक 1934 की एक घटना रहेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1934 में जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी भाई, समाजवादी पार्टी, जेपी नारायण, समाजवादी पार्टी जेपी ने, जयप्रकाश ने करी थी भाई, जयप्रकाश नारायण ने। इसका जयप्रकाश नारायण का भाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान है भाई। इसी तरह भाई 1939 ईस्वी में एक घटना और हुई, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया भाई। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध को शुरू होने का क्या कारण माना जाता है भाई, जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण कराया तो यह पूरा आक्रमण न केवल जर्मनी और पोलैंड के बीच में रह गया बल्कि पूरे विश्व में फैल गया। जिस तरह 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, उसी तरह 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसको हम दूसरे विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं भाई। 1945 तक चला। इस युद्ध की क्या महत्वपूर्ण बात है भाई, भारतीय इतिहास में क्या प्रभाव पड़ा, भारत ने इस युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि मुसलमान तो न्यू नाराज थे भाई, वो खिलाफत आंदोलन चला था,
खलीफा के साथ, तुर्की के खलीफा के साथ प्रथम विश्व युद्ध में पूरा व्यवहार कर रहा था, अंग्रेज आगे पर विश्वास नहीं रहा था। हिंदू वैसे नाराज थे क्योंकि हिंदू जो हिंदू और मुसलमान वैसे तो दोनों ही स्वतंत्रता चाह रहे थे, तो लेकिन अविश्वास की भावना काफी हो चुकी थी अंग्रेज के, अब भारत अंग्रेजों के प्रति विश्वास नहीं रखना चाहते थे, वो कोई भी बात कहते थे वो मना कर देते थे। तो 1939 में फिर मांग करी एक भाई महाराज सात गौतम भारत के आदमी आता है, एक भाई हम द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और आप जो है ना हमारे उस तहत लड़ो नियमों के अनुसार और हम आपको सुविधा देंगे, स्वतंत्रता देंगे, लेकिन भारत ने इसमें साथ देने से मना कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई 1940 में गांधी ने करो या मरो का नारा दे दिया भाई, ये करो या मरो की है भाई, अंग्रेज आता ही न्यू कह दी तुम जो करोगे तुम जिम्मेवार हो, भारत जिम्मेवार नहीं है, तुम मैं करो और तुम मैं मरो, और साथ में भारतीयों के साथ भारतीयों से ये आह्वान कर दिया अब भाई हम अंग्रेज का ही अत्याचार सेवा को न्या करण और मरण का टाइम आ गया, इस घटना को हम करो या मरो के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1940 में एक घटना और हुई भाई, 1940 में घटना दूसरी क्या हुई, पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग करी गई थी भाई। अब तो पहले तो जो है ना इंडोर मुसलमान ना मैं मुस्लिम लीग पर कांग्रेस में थोड़ा सा विरोधाभास था, लेकिन वो मन मुटाव था कांग्रेसी तो इन्हू नहीं जाना थे भाई, इतना भयंकर काम भी हो जाएगा भाई, दो राष्ट्र भी बन जाएंगे। लेकिन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग हुई या भारत के इतिहास में एक बहुत ही दुखद घटना हुई और जो दो राष्ट्र बनाकर खत्म हुई भाई। यार फिर 1942 में कब 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया भाई, क्रिप्स मिशन यूके है भाई, पहले रिश्न और समझो, क्रिप्स मिशन है भाई, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था चर्चिल उसने एक अधिकारी भेजा जो लेबर पार्टी से संबंधित था, मजदूरों की पार्टी से संबंधित था, इसका उद्देश्य तो यो था भाई अब इस युद्ध में हमारा साथ दो और क्यों ना दिया तुमने, और वो एक प्रकार था भारत के आदमी ना राजी करना आया था अब भाई तुम हम थारे लिए सुविधा करांगे हम तुमने स्वराज्य देंगे, लेकिन भारत के जो व्यक्ति थे कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों पूर्ण रूप से उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया भाई, और गांधी ने यह कह दिया अग भाई यो तो आगामी तारीख का एक चेक है, जो ये क्रिप्स मिशन आ रहा ना आगामी तारीख का मतलब यो है अग एक तारीख दे दी अग जो तारीख आज तक कई साल आगा होगी और उस टाइम पर चेक बनाकर दे दिया, अब उस टाइम पर इस पैसा न कटवा लियो, आगे की तारीख का कोई चेक नहीं होता, इसलिए ये आगामी तारीख का चेक कह करके गांधी ने इसको अस्वीकार कर दिया, इसकी कोई बात नहीं मानी। और साथ में एक घटना और होगी भाई 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन भाई यो के था भाई, जब गांधी के सारे आंदोलन सफल हो लिए और ब्रिटिश सरकार के प्रति जो आस्था थी थोड़ी बहुत वो भी समाप्त हो ली, तब गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कराया। अब भाई अंग्रेज जाते ये कह दिए भाई तुम भारत ना छोड़ दो, भारत अब है ना अपना शासन अपने आप चला लेगा, भारत सक्षम है तुम हमारा पीछा छोड़ दो, इस घटना को हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस घटना में भी यह होया भाई स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल होया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होया, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया और पूर्ण रूप से जो है स्वदेश प्रेम की भावना जागृत हुई भाई इसमें। इसी तरह अगस्त 1942 में एक और घटना हुई, आपने ये भारत छोड़ो आंदोलन का पता लग गया हुआ, ये 1942 एक बात और बता देता हूँ भाई, ये 1942 तर 1944 में तीव्र गति तय चल रहा था भाई, उसके बाद ये दिमाग पड़ गया था खत्म हो गया था 1944 में जाकर। 1942 अगस्त 1942 में दक्षिणी पूर्वी एशिया में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी भाई, इसका भी भारतीय इतिहास में विशेष योगदान है भाई, ये आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने इस उद्देश्य तक करी थी भाई, जो भारत के आदमी दूसरे देशों में थे और दूसरे देशों के नागरिकों को अपनी ओर प्रभावित करके सुभाष चंद्र बोस ने
भारत को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज नामक एक संगठन बनाया, जिसको आजाद हिंद फौज की स्थापना या आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। और इस आजाद हिंद फौज के तहत जिसमें भारत के नागरिकों तो इकट्ठा कराया, वैसे शुरुआत तो इसने पूरे कई देशों तक लेकर करी, और भारत के भी आदमी इसमें बहुत ज्यादा उसमें शामिल हुए। और इस घटना का भी भारत में विशेष योगदान है। सबसे बढ़िया बात यह हुई, आजाद हिंद फौज के तहत सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा भी दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का एक महत्वपूर्ण नारा है भाई। और आजाद हिंद फौज की स्थापना करी, और जिसका भारतीय इतिहास में भारत को स्वतंत्र कराने में विशेष योगदान है भाई। अब इसके अतिरिक्त अगली जो घटना हुई हमारे इतिहास में 1946 में भाई, मई 1946 में ये हुई थी भाई, मई 1946, ये मई 1946 में क्या हुआ भाई, कैबिनेट मिशन आया भाई भारत में। ये कैबिनेट मिशन क्या है भाई, ये कैबिनेट मिशन 1946 में आया, जिस तरह क्रिप्स मिशन आया था उसी तरह 1946 में कैबिनेट मिशन आया, मई 1946 में भाई। न्यूनतम द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो लिया 1945 में, इंग्लैंड को बहुत ज्यादा नुकसान होया। अब इंग्लैंड सरकार ने देखा कि भाई ये भारत को अपने अधीन रखना एक टेढ़ी खीर होगी, तो उन्होंने कैबिनेट मिशन नामक एक संस्था बनाकर भेजी भारत में। वह भेजी तो न्यू थी, न्यू स्थिति देख लो, अब भारत के आदमी के चाव से क्या भारत को ही भाग गए कुछ टाइम के लिए, और अपने अधीन रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता, इन सब की जांच पड़ताल करने के लिए, भारत के उद्देश्यों को जानने के लिए जो, और भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित करने के उद्देश्य से, या ये देखने के लिए कि भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया जाए या ना किया जाए, इन सब उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो आयोग आया, जो मिशन आया, उसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। ये मई 1946 में आया था भाई, और इसका उद्देश्य है भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वराज्य की मांग को पूरा करना था, ये इसे संबंधित था भाई। और भाई जुलाई 1946 में एक और भी भारतीय इतिहास में बढ़िया घटना हुई भाई, उसको हम बढ़िया ही मानेंगे। 1946 में कुछ बढ़िया और कुछ घटिया भी है भाई, कमी भी है इसमें। संविधान सभा का निर्माण हो गया भाई, ई भारत को यह जचने लग गया था अब भाई ई आजाद होएंगे। संविधान सभा का निर्माण होया, जिसमें भाई कुछ जो हमारे प्रांत थे उनके नेता थे शामिल इस संविधान सभा में, कुछ जो देशी रियासतों के जो शासक थे या प्रतिनिधि थे वो शामिल थे, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के आदमी शामिल थे भाई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई, मुस्लिम लीग ने इस विधानसभा का भाई विरोध कर दिया, मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। लेकिन ये जो 1900 जुलाई 1946 में जो संविधान सभा बनी थी उसी के तहत भले मुस्लिम लीग अलग हो गई, भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, लेकिन उस समय भाई वो संविधान बना रखा जो आज मौजूद है भारत का संविधान, जिसमें 22 अध्याय, 12 अनुसूचियां और 404 या 448 अनुच्छेद हैं। पहले 395 अनुच्छेद थे भाई, 22 अध्याय थे मूल संविधान में और 8 अनुसूचियां थी भाई, जिसके तहत 9 दिसंबर 1946 में पहली संविधान सभा की बैठक हुई भाई। ये भारतीय इतिहास में एक और भी महत्वपूर्ण बात है भाई, संविधान सभा की जो संविधान बन रहा है उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई, और सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया भाई। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं, राजेंद्र प्रसाद को भाई संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया भाई। इसके अतिरिक्त भाई इन साथ में ये काम भी चलता रहा, और 15 अगस्त
1947 को भारत को पूर्ण रूप से आजादी प्रदान कर दी गई भाई। भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। इस पूरी की पूरी घटना को हम 1916 से 1947 तक की मैंने घटना बताई, लेकिन स्टूडेंट से एक थोड़ी सी बात और रह गई, मैं इसमें पूरा कर दूं ताकि ये कंप्लीट हो जाए, ये अपना ये अधूरा रह जाएगा, नहीं तो जुलाई 1946 को संविधान सभा का निर्माण हुआ, 9 दिसंबर 1946 तक की पहली बैठक हुई संविधान सभा की, 11 दिसंबर ये हुई थी भाई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष था उसके नेतृत्व में भाई, 2 दिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, 15 अगस्त 1947 को भाई भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया भाई, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया भाई। ये 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू कराया मैंने बताया था भाई, इसमें एक महत्वपूर्ण ये घटना ये हुई थी, वो तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा थी वो करी थी भाई, 26 जनवरी का दिन उस साल से एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में माना जाने लग गया था, इसलिए भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू न करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने 1916 से लेकर के 1950 तक की जो घटनाएं हैं, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में जानी जाती हैं, उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त की, और बहुत सारी घटनाएं मैंने अपनी जो इतिहास की पहली जो वीडियो है उसमें डाली गई है, स्टूडेंट उसे क्लियर कर लें। स्टूडेंट मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो टेस्ट में अपनी परीक्षा में सफल हों, यही मेरा उद्देश्य, यही मेरा ध्येय है, इसलिए स्टूडेंट जितनी भी वीडियो आए जो ऑल सब्जेक्ट लक्ष्य एक्सेस जो चैनल है उसको हाँ आप कमेंट या तथा विशेषकर आप सब्सक्राइब कर ले, कमेंट की भी इतनी हो नहीं है लेकिन आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास जो भी वीडियो भेजी जाए वो आपके पास पहुंच जाए, आप अच्छी से अच्छे अपने टेस्ट या परीक्षा को कर सकें। इस मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से ये घटनाएं याद हुई होंगी, कोई दिक्कत नहीं आई होंगी, इसके साथ साथ और भी वीडियो आएगी प्राचीन काल से लेकर के अब तक का इतिहास, धीरे धीरे मैं प्राचीन काल को भी मैं का भी इतिहास बताऊंगा, मध्यकालीन इतिहास का भी बताऊंगा, ब्रिटिश कालीन जो हमारा समय है उसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी, और अब तक जो घटनाएं हुई हैं राजनीति की और इतिहास की वो भी वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी। तो मैं आशा करता हूं आपको जो आज वीडियो आपके पास भेजी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी या लगेगी, और आप अपनी अच्छी तैयारी करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।